दोस्तों, ऑनलाइन चालान कटना एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि किसी सिग्नल को आपने क्रॉस कर दिया या कहीं पर आपको देख लिया ट्रैफिक रूल का वॉयलेशन करते हुए और आप निकल गए उस जगह से और आपका नंबर उन्होंने देख लिया, फोटो खींच ली, तो आपके पास में ऑनलाइन चालान भेज देते हैं। तो इस तरीके के चालान तो नॉर्मल है, लेकिन आजकल व्हाट्सअप पे चालान भेजे जा रहे हैं जो कि आपको ट्रैफिक पुलिस नहीं बल्कि स्कैमर भेज रहे हैं, जो कि कुछ इस तरीके के फेक होंगे, जहाँ पर मोस्टली वो टारगेट कर रहे हैं हम इंडियंस को ही, क्योंकि चाहे हैकर कहीं का भी हो लेकिन वो कोशिश ये कर रहा है कि भैया इंडियंस को टारगेट किया जाए, काफी बड़ी ऑडियंस है और ये बहक भी बड़ी जल्दी जाते हैं। तो इस तरीके के फेक चालान भेजे जा रहे हैं आजकल व्हाट्सएप के ऊपर, जहां पर एक लिंक दे दी जाएगी, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद में कहेंगे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, इससे आपका चालान भर दिया जाएगा, या फिर ऐसा भी मैसेज आ जाएगा कि डायरेक्ट आपको APK फाइल दे रखी होगी या फिर लिंक दे रखी होगी कि यहां से डाउनलोड करके इसके थ्रू आपने ये चालान भरना है। आप कहोगे यार कोर्ट के चक्कर कौन काटेगा, चलो ऑनलाइन ही चालान भर देते हैं। जिसको भरने के चक्कर में जब आप इस तरीके की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता है आपके साथ में क्या होगा, आपका फ़ोन हैक हो जाएगा और जितने भी चीज़ें होंगी वो हैकर को भी मालूम होगी, कौन सा SMS आ रहा है, किस बंदे को आप कॉल कर रहे हो, मतलब सारी डिटेलें उसके पास पहुंच रही होगी। एक तरीके से वो आप पे स्पाई कर रहा होगा और उससे फिर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन भी जा सकती है और आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है वो स्कैमर कह लो या हैकर कह लो। तो इस तरीके की चीज़ों में आपको नहीं फंसना है। अगर आपका चालान कटा है और आपको लग रहा है कि कट गया है, कोई गलती करी है आपने, तो आप कार इन्फो नाम की एक एप्लीकेशन है या फिर एम परिवहन नाम की एप्लीकेशन या फिर किसी और एप्लीकेशन के थ्रू आप चेक कर सकते हो, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी मिल जाएगी कि भैया मेरा चालान कटा है नहीं कटा। बस आपको अपने व्हीकल का नंबर डालना होगा और सीधा ही पता लग जाएगा आपका चालान कट रखा है या नहीं कटा हुआ। दोस्तों, एयर इंडिया एक पैसेंजर को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उसने रिफ्रेशमेंट के लिए मना कर दिया। जो भी एयर होस्टेस उसको खाने को दे रही थी और ड्रिंक दे रही थी वो खा नहीं रहा था, मना कर रहा था कि मुझे नहीं खाना, जबकि सऊदी अरेबिया से फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरनी थी और इस 5.5 घंटे की फ्लाइट के अंदर उस बंदे ने एक चीज भी नहीं खाई, मतलब कि उसका पेट कहीं से ऑलरेडी ही भर रखा है। जिसके बाद में जैसे ही ये फ्लाइट लैंड हुई दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर, तब ग्रीन कस्टम क्लियरेंस की साइड से वो बंदा निकल रहा था और ये वो वाली साइड होती है जहां पर आपके पास में कोई भी ऐसा सामान नहीं होता जिसके लिए आपको कस्टम ड्यूटी देनी हो। तो इस वजह से इसको वहां रोक लिया गया क्योंकि इस पे शक पहले ही था कि पेट कैसे भर रखा है तेरा, और इसका पेट भरा हुआ था 4 कैप्सूल से। अब 4 कैप्सूल कैसे समझाऊं आपको, मतलब इसने जो 4 कैप्सूल यूज कर रखे थे उसके अंदर सोना घुसेड़ रखा था, वो भी 1 किलो 100 ग्राम, मतलब किसी में 250 ग्राम होगा, किसी में 250 ग्राम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो इस तरीके से सोना भर के ला रहा था, अपने अंदर ही डाल रखा था इसने सोना, जिसके बाद में जब एक्सरे के अंदर पकड़ा गया तो इसको फिर हॉस्पिटल भेज दिया गया, क्योंकि वो सोना भी निकलवाना है और इसकी जान भी बचानी है, कहीं ऐसा ना हो सोना अंदर ही फट जाए, क्योंकि वो जो कैप्सूल होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, दिक्कत भी हो जाती है उनसे कई बार। तो ये अपनी जान का रिस्क लेके करीबन 70 लाख रुपए का सोना लेके तो आया था, लेकिन इसको अरेस्ट कर लिया गया। और इंडिया के अंदर गोल्ड स्मगलिंग की मिनिमम सज़ा 5 साल होती है और वो डिपेंड करता है कि कितना सोना लेके आ रहा हो, उस हिसाब से आजीवन काल के लिए भी जेल में डाल दिया जाता है। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये जो गोल्ड स्मगल करके इंडिया के अंदर आ जाता है, फिर उसके बाद में पकड़ लिया जाता है, फिर क्या करती है गवर्नमेंट इसको, क्योंकि उनके तो मज़े आ गए, भाई ये हमारे इंडिया का हो गया सोना, और भी ज़्यादा सोना बढ़ गया इंडिया के अंदर, अब वो तो गया जेल के अंदर। लेकिन होता ये है कि इनको संभाल के रखा जाता है एविडेंस के तौर पे कि ये लेके आया था, तो उसको कोर्ट में दिखाया जाता है, जो भी प्रोसीडिंग होती है तब तक इसको संभाल के रखा जाता है, उसके बाद में इसका ऑक्शन किया जाता है या फिर ये देखा जाता है कि कहीं ये किसी और का तो नहीं, अगर कोई बंदा क्लेम करता है तो उसके लिए भी देखा जाता है कि इसका है नहीं है। लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर ये इंडिया का हो जाता है। दोस्तों, Amazon की प्राइम डे सेल 20 जुलाई से 21 जुलाई के लिए आने वाली है, जहां पर सभी प्राइम मेंबर्स को सस्ते में सामान मिल सकता है, वो भी 2 दिन के लिए, तो मतलब 2 दिन का मौका रहेगा आपके पास में। लेकिन Flipkart ने क्या किया है, अपनी गोट सेल की अनाउंसमेंट कर दी है कि भैया ये तो आपको 2 दिन का दे रहे हैं, हम 5 दिन की सेल लगा रहे हैं। भैया 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक की इनकी सेल रहेगी, ये गोट की सेल है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बकरों की सेल है, मतलब है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाली सेल होने वाली है। ये कह रहे हैं कि भैया ऐसी सेल आपने देखी होगी, तो अगर आपको कोई भी सामान लेना है तो यही मौका मिलेगा आपको सस्ते में सामान लेने का ऑनलाइन। दोस्तों, इंडिया के अंदर हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन के अंदर 10 रोबोटिक सर्जरी की गई है। दरअसल तमिलनाडु के कोयंबटूर के अंदर किया गया है, जहां पर एक हॉस्पिटल है PSG हॉस्पिटल, इसके अंदर द विंची सर्जिकल सिस्टम का यूज किया गया, जिससे कि सर्जरीज काफी ज्यादा प्रिसाइज हो जाती है, कोई लंबा चौड़ा चीरा नहीं लगता है, क्योंकि अगर डॉक्टर अपने हाथों से करेगा बिना किसी रोबोटिक आर्म के तो भैया लंबा चीरा लगेगा, जिसकी वजह से फिर ओपन सर्जरी हो जाती है।
जाती है एक तरीके से, लेकिन इस सर्जरी के अंदर एक छोटा सा इंसीजन रहता है जिसमें फिर रोबोटिक आर्म वगैरह अपना काम करते हैं जिनको डॉक्टर ही कंट्रोल करता है, और उसके बाद में जो पेशेंट होता है उसकी रिकवरी तेज़ रहती है क्योंकि छोटा सा इंसीजन लगा है और इसी के साथ साथ पेन भी कम रहता है।